नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिल के बारे में और हम एक मिल बनाएंगे और इसको ये जो है इसको रोटेट करेंगे आराम आराम से। तो इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग चीजें करा रखी हैं, तो अगर वो सारी चीजें आपने तक नहीं देखी तो जरूर देख लो। देखिए, मैं स्क्रॉलिंग के बारे में बताया था कि बैकग्राउंड स्क्रॉल कैसे करना है, टॉगल बटन के बारे में बता चुका हूं, एक शानदार घड़ी बनाया था मैं जो कि मतलब कि आप जाकर देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि रियल टाइम वॉच थी, टिक टिक करने वाली। और इससे पहले हमने बहुत सारे ग्राफिक्स बना रखे हैं, तिरंगा और एक व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट बना रखा हूं, तो अगर ये सारी चीजें आपने अब तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो और ऐसे शानदार वीडियो देखते रहिए। और आप लोगों ने काफी ज्यादा मुझे मतलब सपोर्ट किया है, जो कि मेरा सब कुछ समय पहले नॉट सब्सक्राइब्ड व्यूवर्स 97.5% थे, अब कुछ लोगों ने मेरी बातों को सुना और लगभग 100-150 लोग सब्सक्राइब किए हैं और ये 94% बचा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे जल्दी से 30% या 40% कर दो तो मजा आ जाएगा यार, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो देखो, ये बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हमको जो ये पंखा है, जो सबसे पहले हमको पंखा बनाना पड़ेगा। अब पंखा कैसे बनाते हैं, पंखा तो हमको बनाना सिंपल है, एक पॉइंट रखेंगे, वहां से कुछ एंगल पर इस साइड में जाएंगे, कुछ साइड इस साइड में, यहाँ पर आ जाएंगे और फिर सेम 75 डिग्री इस साइड में घूमेंगे, इस साइड में घूमेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ऐसे हम लोग बना लेंगे। तो और फिर इसको क्या करना होगा, इस शेप को हम लोग क्या करेंगे, इस शेप को बनाएंगे और इस शेप से पहले क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे लेट से बिगिन पॉली और इसके एंड में क्या कर देंगे, एंड पॉली, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये शेप रजिस्टर हो जाएगा। जब ये शेप रजिस्टर हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग बहुत हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस शेप को रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद में शेप को चेंज कर लेंगे और फिर शेप को जब चेंज कर ले तो फिर उस शेप को मन कहे तुम लिखो या कुछ, या फिर तुम्हारा जो मन करे वो करो, मन कहे घुमाओ, मन कहे जो करे, जो आपका इच्छा करे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग फैन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एनिमेट मिल डॉट पी वाई नाम की फाइल बना रखा हूँ और मैं हमेशा कहता क्या करना होता है, इम्पोर्ट टर्टल और टर्टल डॉट मेन लूप, और उसके बाद मैं बैकग्राउंड कुछ कुछ लगा देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए विन विन इज इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन और विन के पीछे क्या लगा दूं, बीजी कलर, बीजी कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। बस अभी के लिए इतना ही, अब पेन अपना बना लेते हैं, पेन या मिल बोल ले, मिल इज इक्वल टू टर्टल डॉट, हमारी मिल बन गई है। और मिल मतलब पेन, जो कुछ भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। और मिल डॉट पेन साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, पेन साइज क्या कर दूं, लेट्स से 5 कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मोटा सा लिखे, और इसको रन करूंगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, और इसकी कलर भाई अभी ब्लैक ही है, बाय डिफॉल्ट हमारा टर्टल या पेन होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और हमारा मैंने बैकग्राउंड भी ब्लैक कर दिया है तो फिर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिल डॉट क्या करें, कलर चेंज कर लो भाई, कलर मैं रेड कर देता हूँ। जो अगर मैं पेन कलर लिखता तो पेन की कलर लिखता, जो मैं अगर कलर लिखा ना तो ये उस टर्टल को हमारे फील्ड कलर कर देगा, ठीक। तो अगर मैं करूंगा रन, ये हमारा टर्टल छोटा सा दिख रहा है, वो फील्ड है, इसका शेप साइज आप मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। शेप साइज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मिल डॉट शेप साइज, ठीक, और शेप साइज कितना कर दें, लेट्स से 4.4 कर देते हैं और रन कर देते हैं अगेन। अब हमारा टर्टल दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब अपने को क्या क्या बनाना है, एक टर्टल का शेप बनाना है, तो उसके लिए मैं जल्दी से कोड लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज 3,
तीन पंखों वाला वो बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं कॉल कर लूंगा, और तीनों बार या तो एक जुगाड़ होता है कि हम एक एक पंखों को अलग अलग शेप बना ले, और दूसरा जुगाड़ क्या हो सकता है, और फिर उसको ऐड कंपोनेंट के तरीके से ऐड कर ले, जो कि मैं अब तक बताया नहीं हूँ ऐड कंपोनेंट। तो फिलहाल के लिए हम अपने सिंपल तरीके का यूज करेंगे, एक एक बार हम पूरा लूप यूज कर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग बना लेंगे, ठीक। और क्या करते हैं, मिल डॉट लेफ्ट 75 डिग्री पहले से घुमा लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिल डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लेट से 100 जाते हैं, और इसको देखते हैं क्या होता है। ये यहां से यहां तक गया, अब ये कुछ ज्यादा 100 बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। और अब मैं जल्दी जल्दी कोड लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि जो मैं बताऊं। फिलहाल एक FD फॉरवर्ड करते हैं, 75 डिग्री घूम जाएंगे तो हमारा एक पंखा बन जाएगा, ठीक। तो मैं क्या कहूँ, मिल को फॉरवर्ड लेकर जा रहा हूँ, और फिर लेफ्ट घुमाता हूँ 105 डिग्री, और फिर 2x करता हूँ। अब 2x क्यों कर रहा हूँ उसको मैं अभी बताता हूँ। अभी के लिए इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, रन करता हूँ इसको। आप देखेंगे जो हमारा ये है वो बन तो गया है, बट अपन लोग क्या चाहते हैं, ये उस इस शेप जो हम डिजायर्ड शेप है उस शेप को नहीं बनाया है। फिलहाल के लिए हम इस शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हमारा ओरिजिनल शेप है, यानी कि ये देखो, अगर अब मैं फिर से रन करता हूँ, तो ये शेप हमारा बन तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस शेप के साथ में, ये शेप जो हमारा इस टाइप में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसी की जो नॉर्मल हमारा पवन चक्की, आप समझ लो जो पवन चक्की होती है या मिल, उसको हम बोलते हैं, तो अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये वर्क, मतलब कि हमारी पवन चक्की जैसा काम नहीं करेगी, क्योंकि मिल इस टाइप में होती है, तो हमको इस साइड शेप में बनाना है। तो इस शेप को बनाने के लिए आप तो थोड़ा सा मेहनत लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगाना है। यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट लेना है, कि हमने क्या जुगाड़ लगाया है इसमें, बहुत बहुत सिंपल जुगाड़ लगाया है। अगर एक्स इक्वल इक्वल टू जीरो हो तो हम एक्स का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, और फिर उसकी लेंथ 2 x करके कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि एक्स कौर से आता गया है, तो मैं इसको एक बार प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट एक्स कौर, ठीक। अगर मैं इसको रन करता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे शेप बढ़िया बन गई है, और जो एक्स कोर है वो 25.88 है। 25 × 2 करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 50। जब 50 आगे जाएगा, एक मिनट में फिर से इसको कोड और इसको साथ में समझा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे ये है, हमने सबसे पहले 75 डिग्री, जिसे हमारा टाइटल क्या होता है बाय डिफॉल्ट इस साइड में होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारा टर्टल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। अब हमने 75 घुमा दिया, यानी कि यहां से इस साइड में था, अब हमने पहले इस साइड में किया, और इस साइड में करके हमने कुछ 700 गए, 700 कह रहा हूँ, 100 गया, ठीक। 100 जाने के बाद में अपन लोगों ने क्या किया, यहां से अगेन, जैसे कि ये एंगल कितना होता है, 75 डिग्री पहले से था, अब मैंने ये एंगल जो होगा ये 90 होगा, ठीक। मैं इसको इधर बना देता हूँ, क्योंकि ये है और ये है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, और हमारा जो ये है 75 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री बच रहा है, ठीक। तो ये जो टोटल हो जाएगा वो क्या कितना हो जाएगा, 105 डिग्री, ठीक। इसलिए हमने यहाँ से पहुँचने के बाद में 105 डिग्री इस साइड में घूम गए, और फिर यहाँ पर हम लोग 25 आगे जा रहे हैं, जो हमारा ये इतनी लेंथ है वो 25 है, ठीक, 25 × 50। उसके बाद में हम लोग फिर लेफ्ट यहाँ से घूम गए हैं, और लेफ्ट घूम के फिर 100 आते हैं नीचे, और तो यहाँ आने के बाद में जो आप देखेंगे, जो ये एंगल है ये क्या है, एक 90 डिग्री एंगल है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से 105 जाते हैं और 90 डिग्री मुड़ जाते हैं, और उसके बाद में हम लोग
प्रोसेस दो बार और रिपीट करेंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक पवन चक्की या फिर बोले मिल हमारी बन जाएगी। ठीक, तो अब तक हमारा सारा काम ढंग से चल रहा है और हमारे पास पवन चक्की टाइप में कुछ कुछ बन गया है। अब इसके अब एक काम और करना पड़ेगा। क्या काम है वो, कि हमको इस पॉलीगन को एक शेप में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे हम कि क्या कर पाएंगे, हम अपना काम ढंग से कर पाएंगे और अपने पॉलीगन को अपने शेप के अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। ठीक, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पॉलीगन है इसको रजिस्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना होता है, बिगिन पॉली और एंड पॉली लिखेंगे, मिन डॉट बिगिन पॉली एंड और मिल डॉट एंड पॉली। एंड डॉट रजिस्टर सेव, और रजिस्टर सेव में हम लोग क्या पास कर देंगे, पहला नेम स्ट्रिंग और दूसरा सेव पॉलीगन। तो दो पैरामीटर हमको पास करने होते हैं ना, तो दो पैरामीटर हम लोग आराम से पास कर देंगे। पहला नेम क्या कर देता हूं मैं, इसका नेम मैं डाल देता हूं मिल कैपिटल एम आई एल एल। ठीक, मेरा पॉलीगन है वो कैसे लेंगे, मिल डॉट गेट पॉली, और ये मिल क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। ठीक, ये करना मत भूले। अब क्या करेंगे, हमारा सेट तो रजिस्टर हो गया, अब अपन को क्या करना है, देखिए हम इसको एक बार रन करते हैं फिर से। अभी कुछ चेंजेस नहीं हो गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मिल डॉट सेप, और सेप में हम लोग मिल लिख देंगे तो हमारा सेप मिल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड या फिर से हम लोग लेट से लेफ्ट 180 डिग्री घुमाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखो हमारा सेप तो बन गया, और फिर सेप बनने के बाद में क्या हुआ, इसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये घूम गया है 180 डिग्री। तो इतनी बड़ी सेप हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा सेप जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही हो। ठीक, उसके लिए हमको सेप साइज को कम करना पड़ेगा, और मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, मिल सेप साइज को कमेंट कर देता हूँ। अब देखेंगे कि जो हमारा सेफ साइज है वो एग्जैक्ट हमारे अच्छे ढंग से उबर कर गया है। बट जो एक प्रॉब्लम की मेन प्रॉब्लम की बात क्या है, जो हमारा ये पिछला वाला पॉलीगॉन दिख रहा है, उस पॉलीगॉन को हम चाहते हैं कि भाई दिखा ना करे, तुम जब तुम्हारा काम हो जाए अपने आप को हटा लो। तो विंडो को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिसेट कर देंगे, हमारा क्या होगा एक सेफ बनेगा, और फिर क्या होगा हमारा दूसरा सेव अपेयर ही नहीं हुआ कि कहाँ है। एक तो यहाँ पर हमको कुछ कुछ और कांड करना पड़ेगा। तो हमने इसको रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमें कुछ दिखेगा नहीं। ये दिखाई इसलिए नहीं है क्योंकि क्या हुआ है, जो हमारा जब विंडोज को रिसेट किया ना, तो जो हमारा वो था वो तो गायब हो गया, लेकिन जो हमारा सेव था मिल था, मिल का कलर यानी कि वो भी ब्लैक हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से कलर पास कर सकते हैं, कलर मैं लेट से ब्लू एंड रेड पास कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको लेफ्ट घुमाऊंगा 180 डिग्री तो आपको दिखेगा। अब लेकिन मैं चाहता हूं ना, जो ये टर्टल दिख रहा है तो ये ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है और बहुत पतला तरीके से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो साइज है साइड की उसको बढ़ा लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, बहुत सिंपल जुगाड़ है, यहाँ पर लिखना होगा आपको मिल डॉट टर्टल साइज, टर्टल साइज में देखो तीन पैरामीटर पास करने होते हैं। तो एक होता है स्ट्रेच विथ, स्ट्रेच लेंथ और आउटलाइन। हम लिखेंगे आउटलाइन, और आउटलाइन इज इक्वल टू कुछ नंबर डाल देंगे, तो मैं 5 डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको रन करते हैं फिर से। तो आप देखेंगे कि जो हमारा आउटलाइन है वो अच्छे से दिखने लगा है ब्लू कलर का। अब आप इसे येलो या कोई भी कलर जो चाहें वो आप कर सकते हैं, बट
अब यहां तक हमारा काम हो गया है, अब हमको केवल एक काम करना है, वो काम यह है कि इसको एक नीचे डंडे बना दें, उसको फिर रन करना स्टार्ट कर दें। है तो बहुत सिंपल काम, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी लगाएंगे, वो आगे देखते हैं कैसे करते हैं। और फिजिक्स अगर आप लोगों का फेवरेट है तो फिर बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, मिल डॉट बैकवर्ड, बैकवर्ड 120, और इससे पहले मिल को क्या कर देते हैं, मिल डॉट पेनअप, मैं लिखता हुआ तो ना जा, और इसमें 90 डिग्री वाले चीज को कमेंट कर देते हैं, और मिल डॉट पेन डाउन, और पेन डाउन करने के बाद में हम लोग लिखते हुए जाएंगे मिल डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड 120, और मिल डॉट इससे पहले क्या करेंगे, मिल डॉट पेन साइज, पेन साइज 5 कर देंगे, 5 मिनट रन कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ एक बार, तो कुछ कुछ पता चल गया होगा कि भाई ये क्या है गया। तो आप देखें कि इस साइड में गया है, बट हम जो चाहते हैं वो नीचे को चाहते हैं, तो 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा हमको, लेफ्ट या राइट घुमा देते हैं। तो अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो नीचे आएगा, राइट घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट घुमा देंगे 90 डिग्री, और मैं स्पीड मिल की थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि जो शेप बनने उसमें टाइम ना लगे हमारा भाई। देखो अब हमारा काम हो गया है, अब हम इसको 120 नीचे गए हैं, हम थोड़ा सा इसको चाहें और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और अब आई गेस शानदार दिख रहा है, और हमको लग रहा है कि भाई हमारा ये जो क्या है मिल है वो बन चुकी है। लेकिन तो ये चाह अगर चाहो तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिल डॉट पेन कलर, और पेन कलर में कौन सा कलर मैं डाल देता हूँ, लेट्स से व्हाइट डाल देता हूँ, ऑरेंज डाल, पर्पल डाल देता हूँ। हाँ अब बढ़िया दिख रहा है, लेकिन तो जाने के बाद में फिर से कलर चेंज कर रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, पेन का कलर फिर से चेंज कर लेंगे, ब्लू कर लेंगे, कि हमको ब्लू अच्छा लगता है। अब अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल कुछ नहीं करना है, अब मिल को फिजिक्स लगा देना है। अब यहाँ पर पहुंच तो गया है हमारा, हमारा पूरा का पूरा मिल बन गया है। अब अगर आप कुछ लोग चाहेंगे, कुछ लोग यहीं पर खुश हो जाएंगे और वो आगे नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना गार्ड लगाए देंगे, और जो ये प्रिंट कर रहा है बार बार, इसको हम प्रिंट को हटा देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, क्योंकि हम इसका ज्ञान समझ गए हैं भाई। तो अपना काम करो, और हम लोग चलेंगे नीचे सबसे, और यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप, और उसको थोड़ा सा फिजिक्स लगा देंगे। फिजिक्स उसमें क्या लगाना है, कि नॉर्मल घुमाना तो आसान है, बट जो हम हमारा फिजिक्स लगाएंगे, कि एक बार जैसे होता है ना, अगर से एक बार घुमा तो घूम तो गया, जो रुकने से पहले वो उल्टा थोड़ी देर घूमता है, तो पहले नॉर्मल घुमाएंगे, फिर उसको थोड़ा देर के लिए उल्टा घुमाएंगे। तो अब हम लोग चाहते हैं कि किस स्पीड से वो घूमना स्टार्ट करे, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज घूमेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं अभी लिखता हूँ एंगल, एंगल अंडरस्कोर वेलोसिटी, ठीक, उसकी वेलोसिटी मैं लेट से 4 डिग्री कर देता हूँ या 5 डिग्री कर देता हूँ, और फॉर आई इन रेंज 500, क्या करेंगे मिल को लेफ्ट घुमाएंगे कितना डिग्री, एंगल वेलोसिटी के साथ में। अगर मैं इसको रन करता हूँ फिर से, तो क्योंकि घूमना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन तो ये केवल घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, और यानी कि जब तक हम चाहते हैं उतना टाइम तक घूमता जाएगा, लेकिन रुकने के बाद में कुछ करेगा नहीं, यानी कि उल्टा नहीं घूमेगा। लेट से मैं इसको 500 के बजाय लेट से 5 करता हूँ, तो इसको हम रन करते हैं, 5
आप देखें कि ये घूमा, घूमता गया और जाकर डायरेक्ट रुक गया। तो हम चाहते हैं कि भाई रुका मत करें, थोड़ी देर और घूमे, और यानी कि घूमने के बाद में एक उल्टा, एक राउंड या दो राउंड उल्टा भी घूम लिया करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल वैल्यू हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो एंगल वैल्यू को थोड़ा घटाते जाएंगे। एंगल वैल्यू माइनस इक्वल टू 0.009 फिर से, और इसको मैं रन करता हूँ। ये रुका लेकिन पीछे, यानी कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा घुमा है, हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा करना चाहेंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू 500 करता हूँ, फिर आप थोड़ा सा, अगर आपको हो सकता है नजर आए कि भाई क्या हो रहा है, ये हमारा बन गया और ये हमारा घूमना स्टार्ट कर दिया है, और ये थोड़ा थोड़ा स्लो होता जाएगा, और एट द एंड स्लो होगा, और फिर एक राउंड उल्टा भी घूमा घूमना चाहिए हमारे ख्याल से। ये रुका और एक, हाँ, यानी कि हमारा परफेक्ट काम कर गया है, घुमा भी लेकिन बहुत थोड़ा सा घुमा, और ये हम चाहते हैं कि थोड़ा और घूमे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा काम काफी हद तक हो गया है। और हम इसको अगर 4 के बजाय लेट से 3 कर देते हैं, और उसके बाद में करते हैं भाई, हाँ ये घूमता गया घूमता गया, यानी कि स्टार्टिंग में तेजी से घूमता है, उसके बाद में थोड़ा सा स्लो होगा और फिर उल्टा होना स्टार्ट करेगा। ये ओवर कर गया, ठीक। तो बस हमारा ट्यूटोरियल यहीं तक था। अब आगे का ट्यूटोरियल मैं एक और इसका पार्ट बनाऊंगा छोटा सा, नहीं कि 5 मिनट का हार्डली पार्ट होगा। उसमें क्या करेंगे कि ये घूमते घूमते जब उल्टा होना स्टार्ट करे, या फिर घूमते घूमते ये अगर यहाँ से टूट जाता है, तो फिर उड़ता हुआ कहीं और चला जाए, ठीक। तो उसका हम फिजिक्स का थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय। और एक बात, अगर आप लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें थोड़ा सा फिजिक्स लगाएंगे। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।